रहमान रहीम वालेकुम क्या हाल है आप सबका उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे खुश रखे आबाद रखे अच्छा तो सबसे पहले तो यहाँ अब रेसिपी आगे चली जाएगी इसको मैं स्टार्ट कर लेती हूँ दो कप मैंने मैदा ले लिया है इसमें दो टेबल स्पून शुगर के डाले और वन टेबल स्पून इसमें यीस्ट का डाला है वन टी स्पून या हाफ टी स्पून नमक और ये एक कप मैंने गरम दूध ले लिया था नीम गरम दूध इसके साथ मैंने इस डो को गूंद लिया है ठीक है तो यहां पर बस डो को अच्छे से मिक्स कर लिया थोड़ा सा एक कप दूध से थोड़ा सा दूध ऊपर लगा था तो बस यहां पर इसके ऊपर मैं दो टेबल स्पून के जितना ऑयल इसको डाल के तो ऐसे ही रख दूंगी अभी इसको मैं तकरीबन बीस पच्चीस मिनट के लिए ताकि उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी ठीक है तो यहां पर मैं बना रही हूँ बड़े मजेदार से और बहुत हेल्दी जो है ना खजूर और कोकोनट के लड्डू आप चाहें तो यहाँ खजूर के साथ आलमंड्स भी ले सकते हैं और वॉलनट अखरोट जो भी चाहें आप ले सकते हैं लेकिन मेरे पास ये था कोकोनट तो मैं इसी के साथ कर रही हूँ और खजूरों में से गुटियाँ निकाल ली और जितनी खजूरें लिए ना उतना ही कोकोनट लिया है तो बस उसको मैंने अच्छी तरह से छोटे वाले जो ग्राइंडर जार है उसमें ग्राइंड कर लिया और फिर यहां पर अब इसके लड्डू बना रही हूं छोटे छोटे बना रही हूं कि बहुत बड़े खाए नहीं जाएंगे मीठी होती हैं खजूरें ज्यादा तो बस छोटे बनाए और इसके अंदर मैं डाल रही हूं एक एक बादाम की फिलिंग और बस इस तरीके से छोटे छोटे लड्डू बना के तो आ, लास्ट में जो है ना वो कश किया व नारियल उसमें रोल करके तो इनको मैं रख दूंगी और ये बहुत हेल्दी होते हैं बच्चे वैसे स्किप कर देते हैं खजूर खाना या कुछ तो थोड़ा सा इस तरीके से बना के रखे बड़े भी शौक से खाएंगे बच्चे भी खा लेंगे और अच्छे भी लगते हैं तो ये मैं बना के रख लूंगी अच्छा ये आज जो मैं बना रही हूँ ना छुट्टी है चूंकि संडे है तो मेरा दिल था कि मैं अच्छा सा हेल्दी सा ब्रंच रेडी कर लू अः क्योंकि ना तो रोज आ, अच्छे अच्छे खाने आप बाहर से खा सकते हैं ना आपकी जेब इजाजत देती है ना सेहत इजाजत देती है तो उससे अच्छा है कि आप घर में खुद अपने हाथों से अच्छे खाने बनाकर एंजॉय कर सकते हैं तो अभी ये जो डो रखी थी ना आधे घंटे के लिए इसको अब मैंने निकाल के तो इस तरीके से हाथ की मदद से एक राउंड शेप दे दिए रोटी की शक्ल थोड़ी मोटी सी और ये जो ट्रे है इसको ग्रीस करके तो इसके अंदर मैंने इसको ऐसे रख दिया है और इसको मैं अब एक घंटे के लिए रख दूंगी तो यहां पर आ, मैंने मक्खन दिया है तीन टेबल स्पून इसमें ये धनिया डाल दिया है लहसुन मैंने लिया था तकरीबन एक से डेढ़ टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया अच्छा यहां पर ये एक घंटे बाद जो है ना ये राइज हो गई थी तो इसको मैंने निकाल लिया और एक प्लेट की मदद मतलब से मैं इसको एक राउंड सी शेप दे रही हूं क्योंकि इतनी राउंड शेप हाथ से मुझसे दी नहीं जाती वो टेढ़ी हो जानी है तो बस यहां पर मैंने प्लेट से निशान लगा लिया और फिर छुरी की मदद से इसको थोड़ा सा डीप कर रही हूं ताकि इसकी सही से प्रॉपर जो है ना वो शेप बन जाए इस तरीके से छुरी की मदद से और फिर इसके अंदर ये कट कट तो नहीं इसी तरह से लाइंस लगा रही हूं आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में कर सकते हैं ये मैं गार्लिक ब्रेड बना रही हूं और गार्लिक ब्रेड को भी आप इसके अंदर भी फिलिंग कर सकते हैं ये जो हमने बैटर बनाया था ना इसके अंदर भी फिलिंग कर सकते हैं मैं अभी इसके ऊपर ये लगा रही हूं ये गार्लिक था बटर था और थोड़ा सा इसके अंदर एक से दो पंच के जितना मैंने नमक भी ऐड कर दिया था और ये जो है ना लहसुन और धनिया तो ये अच्छे से इसके अंदर जो निशान हमने लगाए थे ना उसके अंदर फिलिंग डाल दी मैंने सही से प्रॉपर ऊपर सारी और ये मेरे पास मोजरेला चीज के स्लाइसेस है तो मैंने इसको कट करके इसकी सारी इस जगह मैं फिल कर दूंगी वैसे अगर आपके पास दूसरी ओकश की हुई तो उसको भी आप थोड़ा सा हाथ से ऐसे करके इकट्ठा तो बीच में ऐसे रख दें आ, ये सारी इसके अंदर मैं फिल कर लूंगी और ये इतने ज्यादा मेरे स्लाइसेस लगे भी नहीं थे मेरा खाली दो से तीन स्लाइसेस जो थे वो आ, इसके ऊपर मैंने डाल लिए थे तो हमारी ये चीजी गार्लिक ब्रेड जो है ना ये हो जाएगी रेडी तो इसको अभी मैं बेक करूंगी और ये पंद्रह से अठारह मिनट के अंदर बेक हो जाएगी अपने अपने ओवन पे डिपेंड करता है लेकिन इतने ही टाइम में और इसको मैंने बेक किया था वन एटी डिग्री पे मतलब मैंने टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं दिया था वन एटी ही दिया था तो ये बहुत अच्छे से बेक हो गई थी और इसके ऊपर ये सारी इस तरीके से मैं लगा लूंगी और फिर ये जाएगी ओवन के अंदर और बस ये देखें और इसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं अच्छा उसके बाद मैं बना रही हूं मलाई बोटी आ, रोल पराठा और उसके लिए मैंने चिकन बोनलेस ले लिया फिर उसमें लहसन डाल दिया अदरक डाल दिया बहुत सिंपल से ये रोल पराठे झटपट क्विक से बनने वाले हैं तो इसको आप छुट्टी वाले दिन तो अपने ब्रंच ब्रेकफास्ट के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं फिर मैंने दही डाल दिया काली मिर्च डाल दी और यहां पर इसके अंदर ही मैंने ऑयल डाल दी और पैन में ही रख किया था ताकि मैं इसी में पका लू और फिर ये देखे मैंने इसको चूल्हे पे रखा थोड़ा ढक के तो बहुत सारा पानी रिलीज हो गया अब मैंने चूल्हा तेज कर दिया ताकि पानी खुश्क हो जाए और बोटियां भी गल जाए तो यहां पर जब इसका पानी ड्राई हो गया तो अब इसके अंदर मैं पहले तो डालूंगी क्रीम और ये हाफ पैकेट इसमें क्रीम का जाएगा क्रीम मिक्स करने के बाद यहाँ चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है क्रीम मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने पहले एक कोयला जो है ना वो रख दिया था तो अब वो कोयला मैं रखूंगी तो इसके अंदर जो स्मोक आएगा जो फ्लेवर आएगा ना धुएं का कोयले का वो बहुत मजे का लगेगा तो इसको आपने स्किप नहीं करना है इस तरीके से कीजिएगा तो इनशाला आपके ये जो रोल पराठा है ना इतने मजेदार बनेंगे और सब आ, को बहुत पसंद आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कोयला रख दिया था उसके ऊपर ऑयल डाल दी और फिर ढक्कन डाल दिया यहाँ पे मेरे बन गए पराठे और पराठे जो नॉर्मली जो आटा गूंधा हुआ था ना उसी आटे से मैं बना रही हूँ पहले मैंने पेड़े बना लिए छोटे छोटे साइज के बहुत बड़े नहीं बनाऊंगी क्योंकि काफी सारी चीजें हैं ना तो फिर और रोल पराठे का साइज भी थोड़ा इतना ही होना चाहिए बहुत बड़ा तो नहीं जैसे आम पराठे हमारे बनते हैं तो साथ साथ पराठे बन रही है मैं पराठे बेल रही थी और साथ साथ मैं बना रही थी पराठों को तो ये जैसे छोटे पेड़े मैंने कर लिए थे उसी आटे के और जैसे अंदर उनके घी लगा के तो पेड़े बनाए थे और अब ये देखें यहाँ पर बस पराठे भी हमारे जो है ना ये तैयार हो जाएंगे तो थोड़ा सा ठंडे होंगे और वो उधर फिलिंग भी तैयार हो गई है तो फिर मैं इनके अंदर इसकी पराठे की फिलिंग जो है ना वो कर लूंगी तो यहां पर अब ये ठंडे हो गए थे पराठे इतना कि उनको पकड़ के आप हैंडल कर सकें तो ये मैंने ले लिया था बटर पेपर और इस तरीके से, से इस कुछ वेजिटेबल्स थी पहले चिकन की बोटियां रख ली फिर अच्छा कोई सॉस वगैरह कुछ भी नहीं लगाया मैंने पराठों के ऊपर क्योंकि ये खुद इतना टेस्टफुल होता है ना ये मलाई बोटी के आपको कोई और सॉस की जरूरत ही नहीं पड़ती बस मैंने सिंपली खीरे प्याज और बंद गोभी जो थी वो बारीक काट ली थी और वो इसके ऊपर मैंने रख दी थी और इसको फिर बस इस तरीके से रैप कर दिया और ये जो है सबसे पहले उठ के मैंने कॉटेज चीज बनाई इसको तीन घंटे के लिए मैंने रखा है वैसे ज्यादा टाइम और ज्यादा टाइम रखें तो ये जरा ज्यादा अच्छे से हो जाती है लेकिन अभी भी हो गई है तीन घंटे भी काफी टाइम होता है तो बस अभी इसको मैं कट करती हूँ फ्रेश फ्रेश कॉटेज चीज बहुत मजे की मेरी छुरी है ना ये बहुत अच्छी छुरी थी लेकिन ये यहाँ से खराब हो गई है और अभी तक मैंने दूसरी नई छुरी कोई नहीं ली वैसे छुरी बहुत सारी हैं लेकिन एक कोती है ना कोई बस उसी को यूज करते हैं तो अब ये नई थी लेकिन बस खराब हो गई है और अब जो है देखें अब दूसरी का आती है इसके मैं चकोर चकोर पीसेस कर लूंगी और इसका साल तैयार कोई ग्रीनरी हमारे पास आज नहीं है अच्छा जी तो यहाँ पर मैं रेडी करने लगी हूँ मशरूम स्लाइसेस और ये बहुत मजे के मशरूम स्लाइस बनते हैं यहाँ पर पहले बटर ले लिया फिर उसके अंदर ये आ, कैन वाले थे आ, क्या कहते हैं इनको मशरूम्स थे जिनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया और साथ ही मैंने हाफ प्याज भी कट करके डाली मैंने इसमें चार जो थे ना वो गार्लिक आ, के ये जवे ले लिए थे ये भी आ, क, क, कश करके डाल दिए और इसको मैं अच्छा सा कुक करूंगी मैं इसको 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छा सा रोस्ट किया है फिर उसके अंदर जब ये 10 मिनट कुक हो गया तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए क्रीम और हाफ पैकेट क्रीम का डाल दिया फिर उसके साथ जो थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था और फिर नमक दो से तीन चुटकी के जितना और ये हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है ये आपके अपने फ्लेवर पे डिपेंड करता है जो आपको पसंद हो मतलब कितनी आप खाना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं और थोड़े से ऑरिगेनो मैंने हाफ टी स्पून के जितना डाल दिया और इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया और जब स्लाइस पे लगाने लगे अगर आपको लगे कि बहुत थिक हो गए तो आप थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर दीजिएगा तो थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी को आप आम, थोड़ा सा आप पतला कर सकते हैं फिर ये मैंने छह स्लाइस ली ली और मेरी छह स्लाइसिस के ऊपर ये इनाफ था और यकीन करें कि ये आप जो थे मशरूम स्लाइसेस जो थे ना ये क्रीमी मशरूम स्लाइसेस बहुत मजेदार थे बहुत मजेदार सबको बहुत पसंद आए थे बच्चों ने बड़े शौक से खाए थे तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा बस और ये कुछ सेब पड़े थे मैंने कट कर लिए कैसे तो पड़े रहेंगे बच्चों ने खाने नहीं है टेबल पे रखे होंगे तो फिर लाजमी सबको खाना पड़ेगा गार्लिक ब्रेड भी हमारी बेक हो चुकी थी और यहाँ पर अब जो है ना हमारी टेबल रेडी हो गई ये जो संडे ब्रंच था ये रेडी हो चुका था और अलहमदुल्ला अलहमदल्ला सब कुछ जो था ना बहुत मजेदार चीजें थी और ये कॉटेज चीज और इसके साथ मैंने ऑलिव्स रख दिए थे और, और ये बहुत ही हेल्दी जो है ना मील एक रेडी हो चुका था तो बस ये था हमारा आज का मजेदार सा संडे ब्रंच हैप्पी मील जो कि मैंने रेडी किया और सब बहुत खुश हुए सबने बहुत इंजॉय किया तो आप भी इनमें से कोई भी रेसिपी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं और अपने घर वालों को भी स्पेशल फील करवा सकते हैं और ये हमारी गार्लिक ब्रेड जिसको मैं अभी कट करके आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट और कितनी फ्लफी सी है और मजेदार भी है तो ये अभी इसको मैं कर रही थी कि मैं ये दिखा दूं वीडियो का क्लिप ले लूं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे अभी ये लगा है ना अब सारा अब मतलब खाने पीने के लिए बैठ जाएंगे तो फिर उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भूल जाता है सबको सर्व करना होता है और अभी टाइम भी काफी हो गया है ना साढ़े ग्यारह का टाइम तो है अब सबको भूख भी लग रही है तो इसलिए फिर वो बाद में याद ही नहीं रहता तो मैंने सोचा अभी इसके मैं पीसेस करके पहले ये तो आपको मैं दिखा दूं बाकी तो सारी चीजें आपके सामने ही है बेक होने के बाद ये गार्लिक ब्रेड जो है इसको मैं आपको चेक करवा दूं कि ये देखें कितनी सॉफ्ट कितनी फ्लफी और कितनी अच्छी मजेदार सी बनी है और मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप इसके अंदर गार्लिक की फिलिंग जो है ना उसके अंदर भी ब्रेड के अंदर भी कर सकते हैं और बस चाय भी हमारी बन गई तो हमारा ये चाय के बगैर तो आपको पता है मजा ही नहीं आता इन सब चीजों का तो ये सब कुछ रेडी हो गया और सैलेड आज बस वो मैंने सेब काटे थे खीरे और थोड़ी सी जो बंद गोभी बच गई थी तो वो काटी और यहाँ पर अब सब आ गए हैं बैठ गए हैं खाना खाने के लिए तो अब सबको मैं प्लेट्स बना के दूंगी बच्चों को और अपना जो संडे ब्रांच है उसको एंजॉय करेंगे तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो प्लीज सबसे पहले लाइक जरूर कर दिया करें और उसके साथ साथ शेयर भी कीजिएगा हाफिज